हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कलसी एस्टेट। माय नेम इज़ कलसी। आई एम इन टू इंडस्ट्री फ्रॉम लास्ट 28 ईयर्स एंड आई टेक माय जॉब एज सर्विंग रादर देन सेलिंग एंड आई लव गिविंग प्लेंटी ऑफ एडवाइस इन रियल एस्टेट। तो दोस्तों, आज के प्रेजेंटेशन में आप देखेंगे ऑस्टिन याना बाय ऑस्टिन रियल्टी एट अथावड़े पुणे। सो लेट्स बिगिन विद द प्रेजेंटेशन। तो यहाँ पर दोस्तों आप देखेंगे ये एलिवेशन है बिल्डिंग का और ये प्रोजेक्ट 15 एकड़ लैंड पार्सल में बन रहा है, जिसमें अभी डेवलपर ने 5 एकड़ में 3 टावर लॉन्च किया है। राइट साइड से आप देखेंगे दैट इज टावर ए, उसके बाद टावर बी है, उसके बाद टावर सी है। तो सभी टावर्स में एक लेवल बेसमेंट है और ग्राउंड के ऊपर 32 हैबिटेबल फ्लोर्स है। तो टावर ए में हर एक फ्लोर के ऊपर 8 फ्लैट है। बिल्डिंग में 5 लिफ्ट है, 2 स्टेयरकेस है एंड इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 एंड 3 BHK फ्लैट्स। टावर बी में अगेन हर एक फ्लोर के ऊपर 8 फ्लैट है, बिल्डिंग में 5 लिफ्ट है और 2 स्टेयरकेस है, अगेन इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 एंड 3 BHK फ्लैट्स। और टावर सी में हर एक फ्लोर के ऊपर 4 फ्लैट है, बिल्डिंग में 2 लिफ्ट है और 2 स्टेयरकेस है और सभी 4 BHK के फ्लैट्स है। तो टोटल सारे फेस में 8 टावर्स होगा। तो फेस वन में डेवलपर ने 3 टावर लॉन्च किया है, उसके बाद 3 टावर होगा और उसके बाद 2 टावर और होगा। प्लस बिल्डिंग के फ्रंट साइड में आप देखेंगे रिटेल प्लाजा दिया गया है, उसके ऊपर 3 लेवल का पार्किंग दिया गया है जो कि मल्टी लेवल कार पार्किंग बिल्डिंग है और उसके ऊपर सारा एमिनिटीज़ है। तो ये फेज़ वन का एमिनिटीज़ है, लेकिन जैसे ही फेज़ 2 बनेगा और फेज़ 3 बनेगा तो सभी कॉम्प्लेक्स एक दूसरे का एमिनिटीज़ यूज़ कर सकते हैं ताकि सबको मैक्सिमम एमिनिटीज़ मिले यूज़ करने के लिए। तो इस प्रोजेक्ट में 50+ लाइफस्टाइल एमिनिटीज़ दिया गया है। कुछ एमिनिटीज ग्राउंड फ्लोर पर होगा और कुछ एमिनिटीज मल्टी लेवल पार्किंग के ऊपर दिया गया है। और हर एक फ्लैट के साथ में डेक है, लार्ज फ्रेंच कट विंडो है। ऑस्टिन रियल्टी इज अ ब्रांडेड डेवलपर, उनके जितने भी प्रोजेक्ट्स होते हैं सारे लग्जरी सेगमेंट के प्रोजेक्ट होते हैं और फ्लैट्स भी बड़े साइज के फ्लैट्स देते हैं। फ्लैट्स के अंदर जितने भी फिटिंग्स और फिक्चर्स है सारे ब्रांडेड कंपनी का है। प्रोजेक्ट अथावड़े में है, बहुत ही प्राइम लोकेशन पर है और ऑस्टिन रियल्टी के और भी बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं उसी लाइन में। सो दिस इज़ वन मोर एलिवेशन ऑफ द बिल्डिंग, जिसमें आप देखेंगे राइट साइड से टावर ए, उसके बाद टावर बी और टावर सी। तो यहाँ पर आप क्लियरली देख पाओगे राइट साइड का जो 3 बिल्डिंग आप देख रहे हैं दैट इज फेज़ 1 जो कि ए बी और सी है। उसके बाद लेफ्ट साइड में जो 3 टावर है डैट विल बी फेज़ 2 और उसके ऑपोजिट साइड में फेज़ 3 रहेगा। तो आज हम लोग फेज़ 1 के बारे में बात करेंगे। तो प्रोजेक्ट बनने के बाद काफ़ी ग्लैमरस लगेगा। तो यहाँ पर दोस्तों आप कुछ ग्लिम्सेस देखेंगे, फ्लैट्स जो है वो काफ़ी वेल डिज़ाइंड है, फर्नीचर आप जैसा चाहे वैसा आप बना सकते हो, लेकिन स्पेस वाइज आप देखेंगे काफ़ी बड़े फ्लैट्स है, बड़े बेडरूम्स है, लार्ज फ्रेंच कट विंडो विद डेक, किचन में दोनों तरफ प्लेटफॉर्म दिया गया है, आप ओपन किचन कॉन्सेप्ट रख सकते हो ताकि फ्लैट और बड़ा लगे। लिविंग रूम का भी साइज आप देखेंगे काफ़ी बड़ा लिविंग रूम है, फुल हाइट विंडो, वॉल टू वॉल स्लाइडिंग एंड दीज आर सम एमिनिटीज, किड्स प्ले एरिया विथ सॉफ्ट फ्लोरिंग, लेफ्ट साइड में सिटिंग परगोला दिया गया है विथ जॉगिंग एंड वॉकिंग ट्रैक एंड प्लेंटी ऑफ प्लांटेशन अराउंड, फुल्ली इक्विप्ड जिमनेजियम। और यहाँ पर आप देखेंगे ये फेज़ 1 का एलिवेशन है और नीचे की तरफ आप देखेंगे जितने भी एमिनिटीज है मैक्सिमम एमिनिटीज़ वो मल्टी लेवल पार्किंग के ऊपर दिया गया है। तो स्विमिंग पूल भी जो है वो मल्टी लेवल पार्किंग के ऊपर आएगा, डबल हाइटेड लॉबी एंट्रेंस, लार्ज साइज बेडरूम्स, सो बेड और वार्डरोब रखने के बावजूद आपको सफिशेंट स्पेस मिलता है। दिस इज़ वन मोर एलिवेशन ऑफ द बिल्डिंग, डबल हाइटेड लॉबी एंट्रेंस विथ सेटिंग अरेंजमेंट, रिसेप्शन काउंटर, प्लेंटी ऑफ LED लाइट्स ऑन टॉप। तो यहाँ पर दोस्तों लोकेशन मैप में अगर आप देखेंगे तो प्रोजेक्ट ऑस्टिन याना यहाँ पर लोकेटेड है, दिस होल एरिया इज तथावड़े और यहाँ पर आप जितने भी ऑरेंज में आप देख रहे हैं ये सारे ऑस्टिन्स के प्रोजेक्ट हैं। इस तरफ भी आप देखेंगे जो ऑरेंज डॉटेड है ये सारे ऑस्टिन्स के प्रोजेक्ट हैं। और ये जो बड़ा सा हाईवे आप देख रहे हैं दिस इज मुंबई पुणे बेंगलोर हाईवे। प्रोजेक्ट के पास में यहाँ पर रिलायंस स्मार्ट सुपर स्टोर है, इस तरफ डीमार्ट है, DY पाटिल स्कूल, SV पाटिल स्कूल, इस्कॉन टेम्पल, दिस एरिया इज रावेट, दिस इज बुमकर चौक, वाकड़ चौक, डांगे चौक, दिस साइड इज आकुरुडी रेलवे स्टेशन। तो कहने का मतलब दोस्तों प्रोजेक्ट बहुत ही प्राइम लोकेशन पर है। और USP अगर आप इस प्रोजेक्ट का देखेंगे
तो अश्विनी इंटरनेशनल स्कूल 2 मिनट की दूरी पर है, ओडार इंटरनेशनल स्कूल 3 मिनट की दूरी पर है। तो ऐसे बहुत सारे स्कूल्स हैं और बहुत सारे कॉलेजेस भी हैं। इंदिरा कॉलेज 3 मिनट, डीवाई पाटिल इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट 5 मिनट, IBMR कॉलेज 5 मिनट एंड मच मोर। हॉस्पिटल्स में बहुत सारे हॉस्पिटल्स हैं, गोल्डन केयर 5 मिनट, लाइफ पॉइंट 7 मिनट। होटल्स में जिंजर होटल 2 मिनट, शयाजी 4 मिनट। इंफ्रास्ट्रक्चर में फिनिक्स मॉल ऑफ मिलेनियम 5 मिनट, डी कैटलॉन 3 मिनट, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर 7 मिनट, विजन वन मॉल 2 मिनट, SBI बैंक 5 मिनट, डेविड लॉयड क्लब 5 मिनट, जियोन मॉल 10 मिनट एंड मच मोर। तो ये सारा USP दोस्तों इस प्रोजेक्ट का। प्लस यहाँ पर एमिनिटीज में काफ़ी बड़ा स्विमिंग पूल दिया गया है, लग्जरी कबाना, वेल डिज़ाइंड क्लब हाउस, पार्टी लॉन, सीनियर सिटीजन पॉकेट, इसके अलावा पेट पार्क, किड्स प्ले एरिया, पार्टी लॉन, वाटर फीचर्स, किड्स पूल, योगा डेक, रेफ्लॉक्सोलॉजी पाथवे, पेरिफेरल लैंडस्केप, टेनिस कोर्ट, लाइब्रेरी पवेलियन एंड मच मोर। प्लस दोस्तों फ्लैट के अंदर जितने भी फिटिंग्स और फिक्चर्स है सारे ब्रांडेड कंपनी के हैं, CP और सैनिटरी फिटिंग्स ब्रांडेड कंपनी का होगा। तो फाइनली दोस्तों आते हैं इसके यूनिट प्लान के ऊपर। इसमें 2 BHK 748 कारपेट एरिया है एंड इट गोज अप टू 864 कारपेट एरिया एंड प्राइस स्टार्ट्स फ्रॉम 97 CR ऑल इन प्राइस। 3 BHK स्टार्ट्स फ्रॉम 1082 कारपेट एंड इट गोज अप टू 1191 कारपेट, प्राइस स्टार्ट्स फ्रॉम 1.40 CR। 4 BHK कारपेट स्टार्ट्स फ्रॉम 1517 एंड इट गोज अप टू 1612 कारपेट, प्राइस स्टार्ट्स फ्रॉम 2 crore 2 lakh रुपीज एंड दीज आर ऑल इन प्राइस। तो अभी अगर आप 1 lakh रुपए का टोकन देते हो तो इसके ऊपर कुछ आपको स्पॉट डिस्काउंट दिया जाएगा, उसके बाद जो भी पेमेंट शेड्यूल है वो आपको फॉलो करना है। और पोजीशन इस बिल्डिंग का दिसंबर 2028 में होगा। तो दोस्तों और ज़्यादा जानकारी के लिए और डिटेल्स के लिए आप मुझे फ़ोन कर सकते हो 7400138561। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस प्रेजेंटेशन। डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर टू दिस चैनल, बिकॉज शेयरिंग इज कैरिंग। एंड सी यू अगेन विद वन मोर डेवलपर, वन मोर प्रोजेक्ट वेरी सून। बाय बाय, टेक केयर।